श्री राधे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी काफी अच्छे होंगे। आपके लिए आज लाया हूँ बेहद शानदार हाउस। हाउस की बात करें तो 40 गज का ये हाउस रहने वाला है दोस्तों। ऑन पेपर ये 38 गज का हाउस जो है वो रहने वाला है। बेहद शानदार प्रॉपर्टी आप सभी के लिए लेकर हाजिर हो चुका हूँ दोस्तों। डुप्लेक्स हाउस ये रहने वाला है और मोहन गार्डन के इतिहास में, उत्तम नगर के इतिहास में पहली बार आप सभी के लिए लाया हूँ गवर्नमेंट बैंक से लोन। जी हाँ, PNB हाउसिंग से आप सभी को इस हाउस पे दोस्तों मैं लोन करवा कर देने वाला हूँ। तो इससे बढ़िया बातचीत और क्या हो सकती है दोस्तों। आप सभी को जड़ से मकान मिलेगा, NBFC के चक्कर नहीं काटने, सरकारी बैंक से लोन मिलेगा दोस्तों आप सभी को। तो बहुत बढ़िया ये आप सभी के लिए जो ऑफर है वो रहने वाला है। और हाँ, जो लोग मांगते हैं ना, सर सरकारी बैंक से करा दूंगा, 1% की कमीशन, 2% की कमीशन या 5% की कमीशन, 1 रुपया भी नहीं देना दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ जो बैंक की नॉमिनल सी लॉगिन फी है वही आपको भरनी है और आपको मिलेगा इस हाउस पे PNB हाउसिंग द्वारा सरकारी लोन। तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है दोस्तों। आज हाउस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों 40 गज में ये हाउस हमारा रहने वाला है। बहुत बढ़िया दोस्तों ये बना हुआ है विद कार पार्किंग, और नीचे के जो एरिया है आपको कार पार्किंग मिलने वाली है, 1 बेडरूम देखने को मिलने वाला है, उसके साथ में 1 वॉशरूम देखने को मिलने वाला है। साथ ही डुप्लेक्स ये हाउस बना हुआ है, सारी की सारी फैसिलिटीज जो है वो आपको यहाँ पर मिलती है, चाहे वो IGL कनेक्शन हो BSES राजधानी की तरफ से, मीटर की बात हो, मीठे पानी की बात हो जो कि दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा आपको यहाँ पर मिलता है टाइम टू टाइम, और चाहे समर सीवर की बात हो दोस्तों, ग्राउंड वाटर भी इस हाउस में दोस्तों लगा हुआ है। साथ ही लेट नाइट तक आपको ई रिक्शा फैसिलिटीज मिलती है, ओला उबर या फिर जोमेटो स्विगी से कोई भी ऑर्डर या फिर कोई भी कैब आपको यहाँ पर बुक करनी है तो मिनटों में आपके घर तक आपकी कैब जो है वो आ जाएगी दोस्तों। साथ ही कनेक्टिविटी की बात करें तो बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी आपको इस हाउस की यहाँ पर मिलती है। हमारा यहाँ पर पीछे से एक नाला रोड निकल रहा है जो कि आपको आगे जाके पीरागढ़ी से कनेक्ट करता है और इधर द्वारका सेक्टर 16 ऐसे कनेक्ट करता है दोस्तों। जाम फ्री आप किसी भी एरिया में यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं। साथ ही द्वारका मोड़ के नियर हमारा ये जो मकान है वो रहने वाला है। मेट्रो स्टेशन की बात करूँ तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आपको यहाँ पर द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन देखने को मिल जाता है। मार्केट की बात करूँ तो यहाँ पर घर से बाहर निकलते ही आपको एक अच्छी गांधी चौक की मार्केट यहाँ पर देखने को मिल जाती है। शॉपिंग का कोई भी सामान हो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। स्कूल्स की बात करें तो स्कूल्स हमारी प्रॉपर्टी के 500 मीटर के दायरे में सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स काफ़ी आपको यहां पर मिलते हैं। मॉल की बात करें तो वेगस मॉल हमारी प्रॉपर्टी से 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर आपको वेगस मॉल यहां पर देखने को मिलने वाला है। साथ ही पार्क फैसिलिटी भी आपको यहां पर देखने को मिलती है दोस्तों। द्वारका में आपको काफी सारे पार्क यहां पर देखने को मिल जाते हैं। बेहद बढ़िया हाउस, बेहद अच्छी कनेक्टिविटी, बेहद अच्छी फैसिलिटी के साथ ऐसा हाउस आपने देखा नहीं होगा और वो भी एकदम किफायती दामों पर। प्राइस भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो बने रहे हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों हम आ चुके हैं इस हाउस के फ्रंट एलिवेशन पे। सबसे पहले फ्रंट एलिवेशन की बात कर लेते हैं। आप देखते हैं काफ़ी अट्रैक्टिव फ्रंट एलिवेशन इस हाउस की आपको देखने को मिलने वाली है दोस्तों। बहुत बढ़िया फ्रंट एलिवेशन पे हमने यहाँ पर काम कर रखा है दोस्तों। और एक मकान नहीं है, अगर दो भाई भाई भी लेना चाहते हैं या फिर कोई रिश्तेदार है आपका वो साथ साथ लेना चाहते हैं या फिर आप फ्रेंड हो और दो घर लेने की सोच रहे हो तो हमारे पास यहाँ पर दो घर रहने वाले जो कि 40-40 गज के हैं। आप देख सकते हैं टाइल्स का काम, आप देख सकते हैं यहाँ पर बेहद शानदार टाइल्स का काम किया गया है। एक एक जो टाइल्स है वो फास्टनर द्वारा यहाँ पर टाइल टाइट कर रखी है जिससे इन फ्यूचर अगर किसी भी तरीके की आपकी टाइल्स क्रैकिंग होती है तो वो गिरे ना, तो टाइल्स प्रॉपर तरीके से फास्टनर द्वारा दोस्तों यहाँ पर हमने जो है लगवा रखी है। उसी के साथ में 15 से 18 फीट के आपको यहाँ पर रोड देखने को मिलने वाली है। साथ में गली की फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर IGL आ रखी है। एक बार फिर से बता देता हूँ, IGL आ रखी है, आप अपना IGL कनेक्शन यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सीवर लाइन डली हुई है और मीठा पानी आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर मिलता है। अगर आपके पास कार है तो आपके लिए प्रॉपर कार पार्किंग का इंतज़ाम हमने इस 40 गज के मकान में दोस्तों किया है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी कार पार्किंग आपको यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर डबल पल्ले का एक बिग डोर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है जो कि स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आयरन का बना हुआ है। उसके बाद सिंगल एंट्रेंस के लिए आपको यहाँ पर हमने एक सिंगल डोर भी यहाँ पर दोस्तों दिया है, आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं सिंगल एंट्रेंस के लिए आपको एक सिंगल डोर यहां पर देखने को मिल जाता है। मकान की बात करें तो वेल डिज़ाइन, बहुत बढ़िया इंटीरियर के साथ हमने ये जो हाउस है वो क्रिएट करा है। साथ में पार्किंग एरिया की काम करें
पार्किंग एरिया की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत बढ़िया फ्लोरिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आप अपनी छोटी कार यहाँ पर बड़े आराम से, दोस्तों ऑल्टो जैसे सेगमेंट की कोई भी कार है वो बड़े आराम से हमारी पार्किंग में लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं स्पेस दिखा दीजिए, काफ़ी शानदार स्पेस आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है दोस्तों। और इस साइड अपनी जो बाइक है वो 3 से 4 बाइक आप बड़े आराम से यहाँ पर खड़ी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 4-4 फीट तक पूरी के पूरे पार्किंग एरिया में टाइल्स का जो काम है हमने बहुत बेहतरीन यहाँ पर कर रखा है। अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, चाहे वो बाइक है चाहे कार है, तो उसकी चार्जिंग के लिए यहाँ पर आपको यहाँ पर पॉइंट स्विच बोर्ड्स देखने को मिल जाते हैं, पावर का अलग और नॉर्मल अलग। तो बहुत बढ़िया फैसिलिटीज़ के साथ बहुत बढ़िया हाउस ये रहने वाला है। अगर आपके पास कोई भी व्हीकल नहीं है तो इस एरिया को आप एज अ लिविंग एरिया यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। 4 सीलिंग का बेहद शानदार हमने काम यहाँ पर पार्किंग एरिया में कर रखा है। और इस साइड अगर आपके पास कोई व्हीकल नहीं है दोस्तों, अगर बाइक है तो इस यहाँ पर अपना एल टाइप का सोफा जो है आप बड़े आराम से दोस्तों लगा सकते हैं। सामने की तरफ LED TV अगर आपको लगाना है तो वो भी आप बड़े आराम से यहाँ पर लगा सकते हैं। पार्किंग एरिया में यहाँ पर हमने बेल स्विचेस आपको यहाँ पर बेल लगा कर दी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको MCV बॉक्स यहाँ पर सेपरेट देखने को मिल जाता है। उसी के साथ में आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको वॉशरूम देखने को मिलता है दोस्तों। वॉशरूम के अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो दोस्तों काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एक बार दिखा दीजिए ढंग से स्पेस, तो काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एंड टू एंड तक टाइल्स हमने यहाँ पर आपको लगा कर दिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। साथ में शावर एरिया और SS के टैब्स हम प्रॉपर तरीके से आपको लगा कर देने वाले दोस्तों। काफ़ी अच्छा यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों। और ये कंबाइन है हमारा, टॉयलेट बाथरूम कंबाइन है। आपको इंग्लिश सीट की फिटिंग हम यहाँ पर, वेस्टर्न सीट इंग्लिश सीट जो कहते हैं जिसको, वो हम आपको यहाँ पर फिट करके देने वाले हैं। उसी के साथ में हमारा स्टेयर्स एरिया रहने वाला है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्टेयर्स एरिया भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है दोस्तों। ग्रेनाइट का वर्क जो है हमने यहाँ पर स्टेयर्स एरिया पर कर रखा है। उसके बाद हमारे बेडरूम या फिर लिविंग एरिया की यहाँ पर स्टार्टिंग होती है। आप देख सकते हैं बड़ी 8 फीट की चौखट आपको यहाँ पर लगा कर दी है, जिसमें लॉट्स ऑफ विंडोज आपको यहाँ पर मिलती है। काफ़ी सारी विंडोज़ देखने को मिल जाती है यहाँ पर। अगर आप अपना विंडो AC लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर वेंटिलेशन की कोई कमी ना हो तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा विंडोज़ भी देखने को दोस्तों मिल जाती हैं। एंटर करते ही हमारे बेडरूम में या फिर लिविंग एरिया, जो भी आप इसको बनाना चाहें, वो आप देख सकते हैं। काफ़ी स्पेसियस दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है इसका रूम साइज। आप फ्लोरिंग दिखा दीजिए, फ्लोरिंग पर जो टाइल्स है बेहद शानदार टाइल्स आपको मिलती है। और स्पेस बहुत बढ़िया आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है दोस्तों। साथ ही में आपको 13.5 का फ्रंट यहाँ पर मिलता है, तो 12.5 का बेडरूम, 12.5x10 का बेडरूम ये आपको देखने को मिलने वाला है दोस्तों। साथ ही में 3D कस्टमाइज वॉलपेपर हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं 12.5 फीट की वॉल पर यहाँ पर यूज़ करा है। बहुत शानदार आपको यहाँ पर वॉलपेपर के थीम देखने को मिल जाती है। उसके बाद डिज़ाइनर लेटेस्ट 4 सीलिंग डिज़ाइन आपको यहाँ पर इस रूम में देखने को मिलने वाले दोस्तों। अगर आपका कोई गेस्ट बैठा है तो यहाँ पर उसको LED TV या तो आप लगाएंगे अपने घर में, तो LED पैनल भी हमारी तरफ से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है इस वॉल पर। और बहुत बढ़िया, बहुत स्पेसियस हमने यहाँ पर जो है आपको LED पैनल दोस्तों लगा कर दिया है। साथ में 2 छोटी छोटी लाइट्स का वर्क जो है बहुत शानदार यहाँ पर किया है। सरमाइका की बात करूँ तो वुडन लुक में आपकी सरमाइका जो है हमने लगाई है, जिससे आपका जो गेट है, जो इंटीरियर है, वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जो है इस LED पैनल के साथ दोस्तों मैच कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्विच बोर्ड आपको देखने को मिल जाता है। नीचे अगर आप अपने कुछ डेकोरेटिव आइटम्स रखना चाहें या फिर रिमोट वगैरह कुछ भी आप रख सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है दोस्तों। बहुत बढ़िया ये हाउस हमने दोस्तों तैयार करा है। और जैसा कि आपने हमारा ग्राउंड फ्लोर देखा, ये आपको लेकर चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पर, और फर्स्ट फ्लोर भी दोस्तों विजिट कराते हैं, आ जाइए। तो जो दोस्तों जो हमारा स्टेयर्स का साइज है वो भी आपको काफी अच्छा यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। साथ में यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर से SS की रीडिंग का जो काम है वो स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर हमारा सेपरेट MCV बॉक्स रहने वाला है दोस्तों। फर्स्ट फ्लोर का अगर आप चाहें तो 2 मीटर इस हाउस के लिए दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में एक छोटी सी यहाँ पर पैसेज देखने को मिल जाती है। और इस तरफ हमारा लिविंग एरिया देखने को मिलता है आपको। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लिविंग एरिया आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप अगर चाहें अपना सोफ़ा लगाना तो सोफ़ा लगा सकते हैं। इस एरिया को डाइनिंग स्पेस बनाना चाहें तो वो भी आप बड़े आराम से दोस्तों यहाँ पर बना सकते हैं। सामने की तरफ हमारी किचन रहने वाली है, जो कि ओपन किचन कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर आप बास्केट्स देख सकते हैं, बेहद शानदार बास्केट्स आपको यहाँ पर
देखने को मिल जाती है। चिमनी हम आपको यहाँ पर लगा कर देने वाले हैं, साथ में यहाँ पर छोटी छोटी लाइट्स का जो काम है वो काफ़ी शानदार आपको यहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों। साथ में फोर सीलिंग की बात करूँ तो यहाँ पर फोर सीलिंग भी काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और अपने घर को सजाने के लिए डेकोरेटिव आइटम्स अगर आपको रखने हैं तो यहाँ पर वो बड़े आराम से आप दोस्तों यहाँ पर रख सकते हैं अपने डेकोरेटिव आइटम्स। और साथ में एग्जॉस्ट फैन लगाना है यहाँ पर तो एग्जॉस्ट फैन भी आप बड़े आराम से दोस्तों अपनी किचन में दोस्तों लगा सकते हैं। साथ में हम चिमनी तो आपको लगा कर देंगे, साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेनाइट पत्थर जो कि डबल मॉड्यूल में हमने यहाँ पर रख रखा है। किचन के काम की बात करूँ तो यहाँ पर टाइल्स का वर्क बेहद शानदार आपको मिलता है, फुल्ली मॉड्यूलर किचन आपको देखने को मिल जाती है। कैबिनेट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं ये हमारा आरओ सेक्शन रहने वाला है, बहुत ही बढ़िया काम, बहुत ही बढ़िया स्पेस आपको यहाँ पर ऊपर के कैबिनेट्स में देखने को मिल जाता है। और उसके बाद आप यहाँ पर भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को दोस्तों आपको मिल जाता है। अगर आपको अपना मिक्सर जूसर ग्राइंडर यहाँ पर यूज़ करना है तो आप बड़े आराम से यहाँ पर दोस्तों वो लगा सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छे यहाँ पर स्विचेस हमने यहाँ पर दोस्तों आपको लगा कर दिए हैं। साथ में यहाँ पर वर्क की बात करूँ इस रूम के तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वॉल हमने प्रॉपर तरीके से हाईलाइट आप सभी के लिए की है, प्रॉपर कस्टमाइज वॉलपेपर आपको यहाँ पर लगा कर दिया है दोस्तों। उसी के साथ में यहाँ पर अगर आप अपना एलईडी टीवी लगाना चाहें तो आपको एक अच्छा एलईडी पैनल हमने यहाँ पर बनाकर दिया है, आप अपना बड़े से बड़ा जो एलईडी टीवी है वो बड़े आराम से दोस्तों लगा सकते हैं। यहाँ पर भी आपको दो लाइटों का काम हमने दिया है, बहुत बढ़िया ये भी आपको एलईडी पैनल देखने को मिलने वाला है। उसी के साथ में बालकनी अटैच ही हमारा रूम रहने वाला है, आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपने बालकनी एरिया में। साथ में यहाँ पर भी बालकनी के स्पेस की बात करूँ तो एक अच्छा स्पेस आपको बालकनी में देखने को मिलने वाला है। अपनी वॉशिंग मशीन आप बड़े आराम से यहाँ पर लगा सकते हैं और यहाँ पर वॉशिंग मशीन का ऑपरेट करने के लिए आपको एक 16 एम्पीयर का स्विच सॉकेट हमने यहाँ पर प्रोवाइड करा। उसके साथ में एंड टू एंड तक टाइल्स यहाँ पर लगी हुई है और यहाँ पर छज्जे पे भी आपको प्रॉपर तरीके से टाइल्स देखने को मिलने वाली है दोस्तों। SS 304 की रेलिंग मिलती है, लगभग यहाँ पर 4.5 फीट तक की आपको यहाँ पर रेलिंग देखने को मिलने वाली है। बहुत बढ़िया स्पेस है, बहुत बढ़िया ये हाउस दोस्तों हमारा बना हुआ है। और उससे भी अच्छी बात क्या है दोस्तों, ईस्ट फेसिंग ये हमारा जो हाउस है वो रहने वाला है, बेहद शानदार ये हाउस है। नीचे भी आपको एक वॉशरूम मिलता है, एक वॉशरूम आपको यहाँ पर मिलता है, काफ़ी अच्छा साइज आपको इस वॉशरूम का देखने को मिलने वाला है। आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया साइज, एंड टू एंड तक टाइल्स आपको यहाँ पर लगी हुई देखने को दोस्तों मिलने वाली है। गीजर पॉइंट, शावर पॉइंट सब कुछ दोस्तों यहाँ पर आपका लगा हुआ है और PVC डोर हमने यहाँ पर यूज़ करा है वॉशरूम में। उसी के साथ में हमारा 10x10 का ये बेडरूम रहने वाला है, बेडरूम का स्पेस आप देख सकते हैं 6x6 का डबल बेड लगाने के बाद भी 4x4 की अच्छी जगह आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले दोस्तों। अलमीरा आपको यहाँ पर लाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर एक अच्छी अलमीरा हमने यहाँ पर बना के दी है, अभी काम इसमें बाकी है। नीचे भी आपको अच्छी स्टोरेज मिलती है, अगेन ऊपर भी आपको अच्छी स्टोरेज यहाँ पर मिलती है। वॉलपेपर की बात करूँ तो यहाँ पर भी आप देखते हैं 3D कस्टमाइज वॉलपेपर आप सभी को दोस्तों प्रॉपर तरीके से हमने यहाँ पर इस वॉल पर भी लगा कर दिया है। साथ में पेंट क्वालिटी की बात करो तो एशियन पेंट, प्लास्टिक पेंट हमने पूरी के पूरे इस मकान में दोस्तों कर रखा है। साथ में फ्लोरिंग बताएं तो फ्लोरिंग आपको यहाँ पर ब्रांडेड टाइल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती है जो कि एकदम बढ़िया लुक आपके मकान को दोस्तों प्रोवाइड करती है। फोर सीलिंग आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाती है दोस्तों, बेहद शानदार 3D फोर सीलिंग आपको यहाँ पर मिलती है। साथ में गेट की क्वालिटी की बात करूँ तो एक अच्छा बोर्ड हमने यहाँ पर यूज़ करा है दोस्तों। साथ में हाइड्रोलिक लॉक सिस्टम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो अपना घर पे ताला नहीं, यहाँ पर आपको सिर्फ चाबी लगानी है और आप अपना पूरे के पूरे घर को बड़े आराम से दोस्तों यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया घर के साथ आप सभी के लिए ये मकान मैं लाया हूँ दोस्तों, जिसपे आपको PNB हाउसिंग द्वारा लोन भी मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं इसकी रूफ पर, क्योंकि जमीन से लेकर छत तक का ये मकान रहने वाला है। और SS की रीलिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग टू एंड तक प्रॉपर तरीके से आपको लगी हुई देखने को मिलती है। ब्लैक कलर का ग्रेनाइट पत्थर आपको यहाँ पर स्टेयर्स के स्टेप पर देखने को दोस्तों मिल जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हैवी आयरन डोर आपको यहाँ पर हमारी इस एंट्रेंस पे देखने को मिलता है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी रूफ पर। सबसे पहले रूफ का एक छोटा सा सेक्शन हमें यहाँ पर मिलता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप चाहें तो अपनी गार्डनिंग वगैरह बड़े आराम से दोस्तों कर सकते हैं। छत धोने के लिए आपको एक टैब यहाँ पर हम लगा कर देंगे। 500 प्लस 50 लीटर की टैंक हमने आपको यहाँ पर लगा कर दी है जो कि 3 से 4 लेयर की है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सेक्शन हमें ये मिलता है रूफ़ का, तो काफ़ी अच्छा स्पेस हमें यहाँ पर रूफ़ पर देखने को मिल जाता है दोस्तों। रूफ़ पे काम की बात करूं तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से टाइल्स हमने यहाँ पर रूफ़ पर
लगा रखी है दोस्तों, और बहुत अच्छी तरह यहाँ पर ग्राउटिंग हमने कर रखी है जिससे आपको सीलन जैसी समस्या ना आए। उसके बाद यहाँ पर 6 पिलरों पर ये हाउस जो है आपका बना हुआ है दोस्तों। इसको आप 2 मंजिल तक और एक्सटेंड कर सकते हैं। मेन रोड के पास ही आपको ये प्रॉपर्टी दोस्तों देखने को मिलने वाली है। बहुत अच्छा ये मकान हम आप सभी के लिए लाए हैं दोस्तों। प्राइसिंग की बात करें तो 42 लाख, जो कि ऑन टेबल लिटिल बिट नेगोशिएबल दोस्तों रहने वाले हैं, और पीएनबी हाउसिंग के साथ आपको ये मकान दोस्तों देखने को मिलने वाला है। तो फिर मिलता हूँ ऐसे किसी वीडियो के साथ। अगर चैनल पर एक बार फिर से नए हैं तो हमारी वीडियो को प्यार दे अपना लाइक के रूप में। फिर मिलूंगा मैं ऐसे किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा लेता हूँ, नमस्कार।